तेजस एजुकेशन हब की राजस्थान डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को विस्तार से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर एक, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है? दोस्तों, राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व, रणथंबोर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अभी कुछ दिन पहले लगी आरएसपी में राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व का नाम पूछा गया था, वो है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। वहीं अगर देश की बात करें तो देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, 53वां। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मुकंदरा हिल्स। प्रधानमंत्री स्वदेश योजना के अंतर्गत पर्यटन व्याख्या व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाथ द्वारा राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की मशहूर ट्रेवलर मैगजीन द्वारा रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 से किस होटल को नवाजा गया है? उमेद भवन पैलेस जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाता को जागरूक करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम। और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जाती है सी विजिल ऐप पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोट फॉर होम की सुविधा किन मतदाताओं के लिए प्रारंभ की गई है? राजस्थान में यह सुविधा पहली बार प्रारंभ की गई है, वोट फॉर होम, घर से भी मतदान हो किया जाएगा। यह सुविधा दो प्रकार के मतदाताओं के लिए प्रारंभ की गई है, बुजुर्ग जिसकी उम्र 80 वर्ष हो गई हो, दूसरा ऐसा दिव्यांग मतदाता जो 40% से अधिक दिव्यांग हो। इस प्रकार के दोनों वोटर्स वोट फॉर होम की सुविधा घर बैठे ले सकते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन है, मुकुंदरा टाइगर हिल्स जो टाइगर रिजर्व है कितने जिलों में फैला हुआ है, उनके नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब मतदान की तारीख बदली गई हो, तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान की तारीख बदलकर कितनी कर दी गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज की बुलेटिन में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।